दोस्तों अब हमारे देश में मानसून लगभग अलविदा होने में है। देश के अधिकतर राज्यों से मानसून विदा हो रहा है और इस साल देश में औसत से 8% ज्यादा बारिश हुई। हालांकि कुछ राज्यों में बहुत कम बारिश देखी गई, कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा ही बारिश हुई। बाढ़ वगैरह के हालात हो गए थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में आपने देखे होंगे। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस साल अगस्त में 36% कम बारिश हुई, क्योंकि इस बार ला नीना का भी असर देखा गया। हालांकि फिर भी इस साल जून महीने में 11% कम बारिश हुई, लेकिन अगस्त महीने में 15% ज्यादा बारिश देखी गई। राजस्थान में 56% ज्यादा बारिश हुई, पंजाब में 28% कम बारिश हुई। आइए देखते हैं जाते जाते मानसून के हालात क्या कह रहे हैं, मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है। दोस्तों इस साल हमारे देश में 53% ऐसे जिले रहे जहां सामान्य बारिश भी नहीं हुई है, बहुत कम या बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है, और इसकी वजह से हमारी जिंदगी पर, मार्केट पर, महंगाई पर, सब पर असर पड़ता है। भारत में मानसून लगभग गुजर चुका है। इस बार ऑल ओवर सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई। सबसे ज्यादा फुहारे अगस्त में पड़े, मतलब अगस्त महीने में तेज बारिश देखी गई। मौसम विभाग के माने तो आमतौर पर जितनी बारिश होती है उससे 15% ज्यादा हुई अगस्त महीने में। 2024 के मानसून में एक और ट्रेंड देखने को मिला और वो ये कि देश के 47% जिलों में ही सामान्य बारिश हुई, बाकी 53% जिलों में या तो सामान्य से कम बारिश हुई या तो बहुत ज्यादा ही बारिश हुई। और अभी भी जाते जाते मानसून में कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी है। देखिए आप, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया फिर से मौसम विभाग ने, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में भी तापमान अभी 38 डिग्री तक चल रहा कई जिलों में। हालांकि अभी भी दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। यूपी में लखनऊ समेत 27 जिलों में बारिश हो सकती है, तेज हवाओं के साथ फिर से बिजली भी गिर सकती है। इसीलिए यूपी की राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट पर रखा है। और बाकी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा, अभी यहां तेज गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। एमपी की हम बात कर रहे थे, यहां 2 दिन में तो मानसून लौट जाएगा, लेकिन अभी भी 16 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया मौसम विभाग ने। पूर्वी हिस्से में मानसून पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। बाकी राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद पहली तेज बारिश फिर से देखी गई। कल भी 3 जिलों में बरसात की संभावना है। 8 शहरों में अब भी तापमान 36 के पार चल रहा है और जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा के एरिया में दोपहर बाद आज भी आसमान में बादल छाए रहे लेकिन बारिश हुई नहीं। 8 अक्टूबर को कल बीकानेर संभाग के 3 जिलों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। यूपी के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है, मैंने आपको बताया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही बाढ़ से हालात कितने गंभीर चल रहे हैं आपको पता होगा। इस बीच फिर से बारिश की चेतावनी, इन 27 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट है यूपी के इन जिलों में। अगर आप भी इन जिलों में रहते हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का कहना कि 15 अक्टूबर से गिरेगा रात का पारा, मतलब हल्की हल्की गुलाबी ठंड शुरू हो जाएगी। सरगुजा, बस्तर संभाग में कल बारिश के आसार हैं। रायपुर में राहत नहीं मिली, डोंगरगढ़, सुकमा सबसे गर्म इलाके रहे। और वहीं बिहार का मानसून अपडेट देखिए, बहुत भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के बीच अब मौसम विभाग का कहना कि 11 अक्टूबर के बाद बिहार से मानसून की विदाई होगी। आज हालांकि किसी जिले में बारिश बिजली का अलर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी 2-3 दिन अगले बारिश का माहौल देखने को मिल सकता है। 11 अक्टूबर के बाद बिहार से मानसून पूरी तरह से रवाना हो जाएगा। और भी स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, तो कुछ राज्यों में हल्की फुल्की मध्यम बारिश की संभावना है। इन राज्यों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों आपके राज्य, आपके जिले में अभी माहौल कैसा चल रहा है? बारिश थम गई, रुक गई या अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है? कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम और जिले का नाम भी कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।